बोकारो स्टील प्लांट के प्रशासनिक भवन के सामने विस्थापितों ने किया जोरदार प्रदर्शन। बोकारो स्टील प्लांट के प्रशासनिक भवन के सामने विस्थापितों ने जोरदार प्रदर्शन किया। विस्थापित अप्रेंटिस संघ के बैनर तले ये प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां बीएसएल के सुरक्षा अधिकारी और सीआईएसएफ के साथ विस्थापितों की नोकझोंक और धक्का मुक्की भी हुई। वहीं पहले से सुरक्षा में लगे जवान तैनात थे। रैली की शक्ल में आए विस्थापित ने बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। इस दौरान सुरक्षा में तैनात होमगार्ड के जवान और बीएसएल के अधिकारी और सीआईएसएफ के जवानों के साथ उनकी धक्का मुक्की भी हुई। सुरक्षा को लेकर भारी संख्या में जवानों की तैनाती भी की गई। विस्थापितों ने बीएसएल में हो रहे बहाली में अप्रेंटिस किए विस्थापितों को नियोजन देने सहित बोकारो स्टील प्लांट के लिए विस्थापित हुए परिवारों को नियोजन देने की मांग की। वहीं प्रदर्शन कर रहे विस्थापितों का कहना है कि बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन करीब 1500 विस्थापित युवाओं को अप्रेंटिस कर चुकी है, लेकिन नियोजन के नाम पर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी जो वैकेंसी निकली उसमें विस्थापितों को प्राथमिकता नहीं दी गई है। ऐसे में कई ऐसे प्लांट हैं जहां नौकरी में वहां के विस्थापितों को प्राथमिकता दी जाती है और नियोजन दी जाती है, लेकिन बोकारो स्टील प्लांट पिछले कुछ सालों से विस्थापितों के हक और अधिकार को छीनने का काम करती रही है, जिसको लेकर विस्थापितों में आक्रोश है। वहीं प्रदर्शन कर रहे विस्थापित युवाओं की माने तो बोकारो स्टील प्लांट में जहां पहले विस्थापितों को आरक्षण मिलता था और फोर्थ ग्रेड की नौकरी 100% विस्थापितों के लिए आरक्षित रहता था, वहां आज ऑल इंडिया लेवल पर ओपन वैकेंसी निकाली जा रही है और विस्थापितों को उसके हक और अधिकार से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज बोकारो स्टील प्लांट के लिए जमीन देने वाले दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। मेरा नाम कमलेश कुमार हुआ, यहीं के विस्थापित और बोकारो प्रबंधन द्वारा जो अप्रेंटिस करवाया गया था, वो अप्रेंटिस का उद्देश्य था विस्थापितों का जो आर्थिक था वो आर्थिक स्थिति को सुधारना और प्रत्येक व्यक्तियों को नियोजन देना, लेकिन ये सरासर मैनेजमेंट का पूरी तरह एकदम षड्यंत्र के साथ विस्थापितों के अधिकार को छला जा रहा है। और बीएसएल मैनेजमेंट कहने का मतलब है, वो बोलते हैं कि ऐसा कोई भी मेरा दस्तावेज में नहीं लिखा है कि हम विस्थापितों को 1500 को नौकरी दिलाएंगे, लेकिन हम विस्थापित तमाम विस्थापित अप्रेंटिस छात्र उनको हर वो एविडेंस अवेलेबल करवाएंगे जिनमें लिखा हुआ है कि वो हमारे वो हमें नौकरी देने से बाध्य होंगे और हमें वो नौकरी दे सकते हैं। आज 145 जो वैकेंसी निकला वो बहुत ही साजिश के तरह ओपन कर दिया गया, और भी संस्थान है जो वहाँ पे निकाले, जैसे कि हिंदुस्तान एरो लिमिटेड है, वहाँ पे एक बैरियर लगाया गया कि वहाँ के बच्चे जो अप्रेंटिस किए हैं उन्हीं को रेफरेंस नंबर दिया जाएगा और उन्हीं को नियोजन दिया जाएगा। तो हम बीएसएल मैनेजमेंट से यही कहना चाहते हैं कि ऐसे षड्यंत्र ना रचा जाए और हमारे भी तमाम विस्थापित अप्रेंटिस साथियों को ट्रेनिंग जितने भी किए हैं उनको नियोजन देने का काम करें और जितने भी एविडेंस है उनको हम अवेलेबल करवाएंगे। एविडेंस से विस्थापित